हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग रिपोर्ट नहीं डिजाइन कर पाए थे, तो आज के इस वीडियो में पूरी चीज देखेंगे, रिपोर्ट सही से डिजाइन करेंगे और सारी चीजें सही से होंगी। तो यहां पर अभी तीन सब्जेक्ट हैं हमारे पास, चौथे सब्जेक्ट को यहां पे ऐड कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं हिस्ट्री, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, चार पांच सब्जेक्ट ले लेंगे। तो ये हिस्ट्री हो गया और इसको नंबर डेटा टाइप रखना जरूरी है, तो यहां पे रख लीजिए नंबर डेटा टाइप। और फिर एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं कोई और, तो यहां पे लिख लेते हैं जियोग्राफी। तो ये लिख लिया जियोग्राफी। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर लिया और अब यहां पर हमें ऐड करवाना है इन सबको। तो यहां पर ऐड करवाने के लिए हम यहां से नहीं जाएंगे, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक टेबल बन गई है। अब इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज तो फिल हैं, हमने फिल कर दी थी पहले ही, और यहां पर कुछ और भी वैल्यूज हम फिल कर देंगे। तो ये फिल कर दिया। यहां पर रोल नंबर टू की बात कर लेते हैं, तो रोल नंबर टू का नाम श्याम है और यहां पर जो भी वैल्यूज इसमें फिल करनी है यहां से हम कर सकते हैं फिल। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से इसको क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद ये देख सकते हैं टेबल हमारी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। यहां से हम क्वेरी बनाएंगे, तो ये क्वेरी बनाने के लिए चलते हैं या क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं और टेबल वन को ऐड करवा लेते हैं। तो ये ऐड करवा लिया और ऐड करवाने के बाद यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और सारी चीजों को लाइन वाइज लेते चले जाएंगे। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो उसको ले लेंगे आसानी के साथ, ये हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पर टोटल कैसे करेंगे, डबल इंटेड कोर्स बना करके सारे सब्जेक्ट को ऐड करते चलेंगे। तो पहला सब्जेक्ट तो कंप्यूटर में गेन किए हुए मार्क्स को ये ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल भी नाम हमने दे दिया है इसको, जो अलियाज में जाकर के आपको टोटल लिख देना है। बस यहाँ से क्वेरी को रन करवा देना है, तो ये रन क्वेरी पे जाएंगे, ये क्वेरी रन भी हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। देख सकते हैं ऊपर डिस्प्ले भी हो गया है क्वेरी आपका। ठीक है, टोटल के नाम से यहाँ पे आ गया है। अब इसमें जितना भी आप देते जाएंगे वो अपने आप ऐड करता चला जाएगा। मान लीजिए अगले स्टूडेंट का नाम है युवराज सिंह, तो ये लिख दिया युवराज सिंह। ठीक है, और यहाँ पर अब मार्क्स इनके आएंगे, तो जो भी मार्क्स हैं वो देते चले जाइए। ठीक है, और यहाँ पे 88, तो ये देखिएगा यहाँ पर इनका टोटल आ गया। तो इस तरीके से ये टोटल करता चला जाएगा कहाँ, फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको सेव करेंगे और फॉर्म बनाएंगे, तो ये क्वेरी वन के ही नाम से इसको सेव कर देते हैं और अब फॉर्म बनाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे फॉर्म पे आ गए। अब फॉर्म में हमें विजर्ड से चलना है, ये विजर्ड जो दिया हुआ यहाँ से, तो ये विजर्ड पे आए और विजर्ड पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेरी ही हमें लेनी है, क्योंकि टेबल में तो केवल हमें टेबल ही मिलेगी, क्वेरी जो हमने बनाया वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम क्वेरी लेते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। और यहाँ नेक्स्ट पे जा करके, और अगर कोई सब फॉर्म ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, फिलहाल हमें सब फॉर्म नहीं ऐड करना। तो यहाँ से नेक्स्ट करके और फिर नेक्स्ट करके और फिर यहाँ से नेक्स्ट करके और फिर यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से ये दिया गया है, तो जो भी आप चाहते हो तो उस हिसाब से यहाँ से अरेंज कर सकते हैं इन चीजों को। देख सकते हैं ये सारी चीजें दी गई हैं, तो जैसे आप अरेंज करना चाहें इसको अरेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3D लुक कर देते हैं, तो ये 3D लुक हो गया। यहाँ से आप जैसा भी रखना चाहें इसका इंटरफेस वैसा दे सकते हैं। तो ये हो गया और फिर क्वेरी वन के नाम से ये आएगा, तो यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे और आप देखेंगे कि ये क्वेरी वन के नाम से कुछ इस तरीके से आ गया है फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सेटिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं यहाँ से, सेव करने के लिए ये आएगा यहाँ से। तो आप इसको क्लोज करते वक्त ही ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है, तो ये यहाँ पर इसी के नाम से सेव भी हो गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जाकर के अब हमें रिपोर्ट डिजाइन करनी है, तो रिपोर्ट विजर्ड पे जाकर के फिर यहाँ से हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है रिपोर्ट विजर्ड, तो यहाँ से जाकर के अब हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है। तो रिपोर्ट किसके बेस पे डिजाइन करेंगे, तो यहाँ क्वेरी के ही बेस पे हम रिपोर्ट डिजाइन कर देंगे। ये हो गया यहाँ से, फिर यहाँ पे गए, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं या नहीं ये पूछ रहा है, तो फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहते, और अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर यहाँ से ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रिपोर्ट आपके सामने डिजाइन हो गया है। पिछली बार जो है पूरा रिपोर्ट डिजाइन नहीं हुआ था, इसमें नाम नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी नाम भी आने लगे हैं, टोटल भी आने लगा है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं रिपोर्ट भी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।